नहीं, बैंकिंग सेक्टर का भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करूंगा मेरे को, हालांकि टाइम थोड़ा कम मिला, नहीं तो मैं हाँ सुबह पता चल गया रहता कि ऐसा प्रोग्राम होने वाला है तो मैं बहुत डाटा लेके आया रहता। बट एनीवेज, कुछ बिल्कुल डाटाज आपको बताना जरूरी है। पहले देखिए ये चीज समझिए, आपने दो चीजें बोली कि यूपीए के टाइम में कितना ये हुआ था, राइट ऑफ हुआ था और कितना एनपीए था। मैं कुछ डाटा आप लोग को दे देना चाहता हूँ। ये बिटवीन FY6 एंड FY14, ठीक है, यानी कि 2005-06 का जो फाइनेंशियल ईयर था और 2013-14 यानी जो लास्ट ईयर था आपका यूपीए यूपी का, हाँ, मनमोहन सिंह ये 9 साल में जो टोटल राइट ऑफ हुआ था यूपीए रिजिम में वो था 61,000 करोड़, ठीक है। और अकेले FY23 में यानी 2022-23 में जो राइट ऑफ हुआ वो था 2.09 लाख करोड़। ओके, करोड़। अभी ये तो आप आज की आरटीआई बोल रहे हो, मैंने उसके डाटा देखे नहीं है, बट ये डाटा मैं आपको दे रहा हूं जो पुरानी स्टोरीज में हमने फॉर्च्यून में किया है। अच्छा ओके, राइट अच्छा दूसरा ये कि आप ये समझिए 2014-15 से, यानी जिस साल मोदी गवर्नमेंट आई थी पहला साल उनका, उस साल से लेके अभी तक यानी FY23 मार्च एंडिंग 2023 तक जो टोटल राइट ऑफ हुआ है इस मोदी सरकार में वो था 14.6 लाख करोड़, यानी हर साल इन्होंने 1.6 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया है, ठीक है। और पिछले यूपीए के वो 9 साल में जो टोटल 9 साल का अमाउंट था वो 61,000 करोड़ था। तो उसका एक रीजन, जैसे मेहरोत्रा साहब ने बताया कि एवरग्रीनिंग ऑफ लोन किया जा रहा था, वो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन भी हो सकता है यूपीए के टाइम में जो कम लोन जाए वो भी रीजन हो सकता है। दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि मेनली जो लोन्स बांटे गए थे वो स्टील सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को और जो लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड वाले जो सेक्टर्स हैं उनको दिए गए थे। वो बाद में जाके अगर एनपीओ के, जैसे आईएलएफएस में, अकेले आईएलएफएस में 1 लाख करोड़ का जो है एनपीए हुआ था। ओके, दैट वाज अ वेरी वेरी बिग केस। तो 14.6 लाख करोड़ में आप समझिए कि ये टोटल 9 साल का एनपीए हुआ है, ये राइट ऑफ। ये राइट ऑफ होने के कारण मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में बैंकों में 3.14 लाख करोड़ की इक्विटी डाली है, यानी पैसे डाले इक्विटी के रूप में। यदि वो नहीं ये पैसे डालते तो बैंकों का जो है नेटवर्क पूरा उड़ जाता था, आप समझ रहे हैं। जाता हाँ, वो इससे समझिए कि देखिए जो 2015-16 में FY16 में जो राइट ऑफ अमाउंट था वो था 59,445 करोड़, हाँ FY17 में था 1.07 लाख करोड़, FY18 में था 1.62 लाख करोड़, FY19 में था 2.36 लाख करोड़, FY20 में जिस साल पेंडामिक आ गया था उस साल था 2.37 लाख करोड़। देखिए ये जो ओ बैंकों को लोन बांटे जा रहे थे, रघुराम राजन जी जब आए तो उनको समझ में आया कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके, तो उन्होंने 2014 में एक सिस्टम लाया आरबीआई के अंदर में, जिसका नाम दिया गया सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, स्रिलिक उसको बोलते हैं, CRILC, ठीक है। इसके अंतर्गत ये था कि यदि कोई भी लोन जो 5 करोड़ से ऊपर का दिया जाएगा, चाहे इंडिविजुअल को चाहे कॉरपोरेट को, किसी को भी 5 करोड़ से ऊपर का यदि लोन दिया जाएगा तो ये CRILC जो है अपनी, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, इसके अंदर में उसका नाम, लोन नंबर, यानी सारे इंफॉर्मेशन जो है वो डाली जाएगी। क्योंकि इसके पहले तक बैंक्स ये बहाने करते थे कि हमको नहीं मालूम है कि दूसरे बैंक ने लोन दिया है, प्राइवेट ने दिया है, कॉपरेटिव ने दिया है, तो ये सब बहाने मार देते थे, ठीक है। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, एक रिपोजिटरी बनाया गया कि भाई जो भी बैंक लोन देगा खट से उस आदमी का नाम डालो कि शरद प्रधान जी को हमने 10 करोड़ का आज लोन दिया है, ये लोन नंबर है, ये डेट है, फलाना फलाना जो कुछ भी है, तो तो इससे इससे सारी ये होता होगा कि जब दूसरा लोन लेने के लिए दूसरे बैंक में जाए आदमी, तो सामने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये आदमी डिफॉल्ट कर चुका है, वहां पे भी नहीं लौटाना इसने, इससे ये हाँ फायदा नहीं, होता होगा। वो उस टाइप के लोग गायब ही हो गए। फिर उनको जब समझ में आ गया कि सिस्टम में ये चीज दिख रही है, ठीक है, तो ये फिर इनके फ्रॉड करने के तरीके बदल गए, बट ये जो छुपा छुपा के जो फ्रॉड करते थे वो बंद हो गए। इनफैक्ट अभी जो मेरे से पहले पांडे साहब ने बोला कि भाई आरबीआई जो है वो क्यों नहीं नाम बताती है डिफॉल्टर के, तो देखिए अब इस यहां पे सरकार की बदमाशी आती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए है क्या कि
एज पर आरबीआई एक्ट सेक्शन 45E, ठीक है, एज पर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 सेक्शन 45E ये प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरीके के क्रेडिट इंफॉर्मेशन को, चाहे वो पर्सनल हो चाहे कॉर्पोरेट को, इट शुड बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। तो ये तो सरकार का काम है कि इस नियम को चेंज करें, ठीक है। ये 1934 का एक्ट बना हुआ है, आरबीआई एक्ट। तो आपको जब मालूम है कि इस तरीके से इतनी धांधली हो रही है और गोरख धंधे हो रहे हैं, तो आपने वो नियम चेंज करना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं नियम चेंज कर रहे हो? पार्लियामेंट में एक आरबीआई एक्ट ही है ना, एक्ट में तो आप चेंजेस प्रावधान तो कर ही सकते हैं, आप उसके अंदर में संशोधन कर ही सकते हैं, सॉरी, तो संशोधन किया जा सकता है। बट इन लोगों ने संशोधन नहीं किया। उसके बाद भी रघुराम राजन जी के टाइम में उन्होंने एक्सेप्शन किया और उन्होंने आरबीआई ने 38 विलफुल डिफॉल्टर का पहली बार 1934 से लेके आज तक के इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है कि पब्लिक डिफॉल्टर्स का नाम जो है वो सामूहिक किया गया है, ठीक है। और वो 38 विलफुल डिफॉल्टर जो आजकल हम बोलते हैं नीरज चौकसी, ये वो जो नाम लेते हैं, वो ले इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि ये 38 डिफॉल्टर्स का फर्स्ट टाइम नाम, विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम आरबीआई ने बताया, ठीक है। और ये पैसे क्या बोलते उसको, पैसे जो इनसे लेने हैं वो सेटलमेंट के प्रोसेस ये किए। बट देखिए मोदी सरकार में बदमाशी क्या हो रही है। राइट ऑफ तो ठीक है, ये बैंक्स ने लोन बांटे, कारोबारी बोल रहे हमसे काम नहीं हो पा रहा और वो डिफॉल्ट हो जा रहे हैं, वहां बदमाशी नहीं है। बदमाशी कहां पे है? जून में इसी साल, जून 8 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक लेके आया सर्कुलर। सर्कुलर था कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एंड टेक्निकल राइट ऑफ। इसके ऊपर में मैंने आलोक जोशी जी के साथ एक प्रोग्राम भी किया था जून में। ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में क्या कहा गया कि आप जो है वो बैंक्स के बोर्ड को हम इंपावर कर रहे हैं, गवर्नमेंट आरबीआई ने ऐसा बोला कि बैंक्स के बोर्ड को हम इंपावर कर रहे हैं कि जो भी डिफॉल्टर है उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर रहे हैं और 12 महीने के बाद में ये डिफॉल्टर्स फिर से लोन लेने के काबिल हो जाएंगे। पहले क्या था, नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो आप उन लोगों को वापस से सिस्टम में डाल रहे हो, जिन लोगों को आप, जिन्होंने डिफॉल्ट किए, जिनको सिस्टम से बड़ी मुश्किल से बाहर किया गया था, ये अलग अलग टाइप के सिस्टम्स लाके उनको आइडेंटिफाई किया गया था। पहले तो आइडेंटिफाई नहीं होते थे कि भैया कौन ले रहा, और वो चुपके से देश के बाहर चला जाता था। अब ये सब किया गया, इन्होंने क्या कर दिया जो बहुत खतरनाक चीज है, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट लेके आए, सर्कुलर निकाला और उस कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के ऊपर में इन्होंने बोला कि आप एक साल बाद इनको लोन दे सकते हो और अपने अपने आन पे कुछ ना है, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ना है। इसके लिए इन्होंने बोला कि बैंक्स के जो बोर्ड है वो अपने लेवल पे कर ले, ताकि कल को कोई क्वेश्चन करेगा कि फलाने का क्यों आपने 100 करोड़ का लोन आपने 2 करोड़ में क्यों सेटल कर लिया, तो बोलेंगे हम का इन्वॉल्व थे, तो बैंक वाला इन्वॉल्व था। अरे भैया बैंक के पदों पे जो नियुक्तियां हो रही है सरकारी, वो क्या बिना वरद हस्त के हो रही है क्या, ये बताइए। आप जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहे हो, आपने जिम्मेदारी जल्दी बैंक्स के बोर्ड पे, ठीक है। और जो जिन लोगों को सिस्टम से बाहर किया गया था, उनको बड़े इंटेलिजेंटली सिस्टम के अंदर में लेके आ रहे हैं। अब आप सोचिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्यों गंभीर है मामला। इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है, मतलब टोटल बैंकिंग सिस्टम यदि आप देख ले, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है इसका जो टोटल अपना लोन बुक जो है, ठीक है, क्यूमुलेटिव लोन बुक, यानी सारे बैंकों का, बैंकों ने मिला के जो लोन दिया है, वो है 135 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ FY23, ठीक है। मैं डाटा इसलिए दे रहा हूं, टोटल, हाँ टोटल, ये डाटा मैं इतने सारे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बिना डाटा, डाटा के अभाव में हम लोग इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो टोटल बैंकिंग सेक्टर का जो लोन है, मतलब जो पूरे इंडिया के बैंक्स ने बांटे हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने, वो है 135 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ FY23। ओके, अब इसमें लगभग 20% उसमें से राइट ऑफ हो गया। मतलब आप जो बता रहे हो आरटीआई 25 लाख करोड़ वाला, तो उसमें तो 18-19% दिख रहा है, बट पुराना भी निकाले अगर हम, जो 14.5 लाख करोड़ का जो मेरे पास में फिगर था, जो मैंने शुरू के मतलब इसमें बोला था कि 14.6 लाख करोड़
राइट टू नो राइट ऑफ सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।